In today's class, I will discuss about the divisibility test. Which number is divided by digit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11? बच्चों, आज की क्लास में हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी नंबर किन नंबर्स से डिवाइड होता है विदाउट डिवीजन। जो नंबर्स अभी हमने नाम लिए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इन नंबर से कौन कौन से नंबर विदाउट डिवीजन कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं वह नंबर जिसका वंस प्लेस यूनिट डिजिट वंस प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 अगर है, किसी भी नंबर का वंस प्लेस अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो ऐसे नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। नोट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 20, 1, 2, 3, 5, 6 एक नंबर आप लिख सकते हैं, 12,356 दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिविजिबिलिटी बाई टू। तो ऐसे नंबर जिनका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8 होता है वे नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। अब बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कौन से नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, कौन से नंबर 3 से डिवाइड होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिए, 3 से डिविजिबिलिटी किसी भी नंबर की चेक करने के लिए आप क्या करोगे, अगर कोई भी नंबर दिया है तो उन नंबर्स में जो डिजिट्स हैं, क्या है बेटा, डिजिट्स, उन डिजिट्स का हम सम करते हैं, उन डिजिट्स का क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट फाइंड करते हैं। और अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होती है, सम ऑफ डिजिट किससे डिवाइड होती है, 3 से, तो ऐसे नंबर 3 से डिवाइड होंगे। ऐसे नंबर किससे डिवाइड होंगे बेटा, 3 से डिवाइड होंगे। अब हम बात करते हैं कौन से नंबर 4 से डिवाइड होते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4, तो कैसे, कौन से नंबर 4 से डिवाइड होते हैं, इसके लिए आपको बच्चों क्या करना है, हम ये चेक करते हैं कि किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट, किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट मतलब वंस और टेंस प्लेस पर जो डिजिट लिखी हैं उनसे बना नंबर अगर 4 से डिवाइड होता है तो गिवन नंबर 4 से डिवाइड होगा। गिवन नंबर किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। अब हम 2, 3, 4 के लिए कुछ एग्जांपल देते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, दीज आर एग्जांपल्स आर
डिविजिबल बाय टू, 20, 1, 2, 3, 5, 6, 2, 5, 8। देखिए इनके जो वंस प्लेस हैं, यूनिट प्लेस हैं, ये जीरो हैं या फिर टू के मल्टीपल हैं, इसलिए ये नंबर्स टू से डिवाइड होंगे। अब बात आती है थ्री से। देखिए एक नंबर मैंने लिया है बेटा 126। क्या लिया है बेटा नंबर 126। अब इसमें डिजिट कौन कौन सी हैं, 1, 2, 6, इनका हमने सम किया, सम आ गया 3, 9, सम क्या आ गया 9। ये जो 9 नंबर है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 126 भी 3 से डिवाइड होगा। ऐसे ही ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल है। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाय 4, इसके लिए एग्जांपल मैंने लिया है 5, 4, 1, 2। अब देखिए 5, 4, 1, 2 में लास्ट टू डिजिट से बना हुआ नंबर 12 है, 12 4 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये होल नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 5, कौन से नंबर 5 से डिवाइड होते हैं? तो हम आपको बताना चाहेंगे बच्चे, ऐसे नंबर जिनका यूनिट प्लेस 0 या 5 हो, ऐसे नंबर जिनका यूनिट प्लेस 0 या 5 हो, तो वो सभी नंबर 5 से डिवाइड होंगे। वो सभी नंबर क्या होंगे, 5 से डिवाइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल 250, 25,505 एसेट्रा। देखिए इनका जो यूनिट प्लेस है 0 और 5 है, इसलिए बेटा ये नंबर जो है आपके 5 से डिवाइड होंगे। अब बात आती है बेटा डिविजिबिलिटी बाय 6। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 6, कौन से नंबर 6 से डिवाइड होंगे? तो हम आपको बताना चाहेंगे 6 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 और 3 होते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे 6 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो 2 × 3, 2 and 3 = 6। तो अब यहां पर 2 और 3 दोनों के रूल लग जाएंगे। पहली बात तो ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस 0 या 2 का मल्टीपल हो वो 2 से डिवाइड होता है, और नंबर में सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड होती हैं तो वह नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए एक ऐसा नंबर हम चेक कर लेंगे कि अगर उनमें डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है और यूनिट प्लेस 2 का मल्टीपल है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसे नंबर आपके 6 से डिवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल बेटा देखिए यहां पर मैंने लिया है 5,412, तो इसमें देखिए जो यूनिट प्लेस है वो 2 से डिवाइड हो रहा है और सम आप जो डिजिट हैं वो 3 से डिवाइड हो रही हैं, इसका मतलब ओवरऑल ये नंबर 6 से डिवाइड होगा। तो 6 की डिविजिबिलिटी में 2 और 3 दोनों के रूल लगते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 7 कि कौन से नंबर 7 से डिवाइड होते हैं, कौन से नंबर बेटा 7 से डिवाइड होते हैं। ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, अब एग्जाम में डायरेक्ट तो आप चेक नहीं करेंगे, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम कौन से नंबर 7 से डिवाइड होंगे, 6 डिवाइड होंगे, ये ऑर्डर में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो सरसरी नजर में आप जान जाएंगे कि कौन से नंबर किस डिजिट से डिवाइड होंगे। तो देखिए 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, अगर कोई नंबर दिया तो उसमें जो यूनिट प्लेस है, वंस प्लेस है, उस डिजिट का हम ट्वाइस कर लेते हैं, अलग निकाल के रख देते हैं, यूनिट प्लेस का ट्वाइस करके अलग निकाल के रख देते हैं। उसके बाद में जो रेस्ट पार्ट बचता है नंबर का, उस रेस्ट पार्ट से हम क्या करते हैं कि जो ट्वाइस करके अलग आपने नंबर रखा उसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने पे जो वैल्यू आती है, अगर वह वैल्यू 7 से डिवाइड है तो ओवरऑल नंबर 7 से डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा हम ले रहे हैं 343, तो देखिए 343 में जो यूनिट प्लेस है वो 3 है, 3 का ट्वाइस किया 6 आया। अब जो रेस्ट पार्ट है नंबर का वो है 34, नंबर का रेस्ट पार्ट क्या है 34, तो ये 34 से जब हम 6 माइनस करेंगे तो 28 आता है, तो 28 आपका 7 से डिवाइड हो रहा है। तो 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए बच्चों हम कुछ इस प्रकार से करते हैं, वंस प्लेस का ट्वाइस करते हैं, रेस्ट जो आपका पार्ट नंबर का होता है उसमें से ट्वाइस वाले पार्ट को माइनस करके देख लेते हैं कि जो नंबर है वो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर? अब बच्चों बात आती है
कौन से नंबर 8 से डिवाइड होते हैं? डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय नंबर 8। तो बच्चों 8 पर डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम किसी भी नंबर की लास्ट 3 डिजिट को देखते हैं। नंबर की लास्ट 3 डिजिट से जो बना हुआ नंबर है, अगर वह नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो ओवरऑल नंबर जो है 8 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, आपके सामने एक नंबर है 97128, 97128। तो जो 128 है ये देखिए 8 से डिवाइड हो रहा है। 128 लास्ट की जो 3 डिजिट है 8 से डिवाइड हो रही हैं, लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही हैं, 16 आ रहा है। इसका मतलब ओवरऑल जो नंबर है वो बेटा 8 से डिवाइड होगा। अब बेटा हम चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9, 9 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 9 से कौन से नंबर डिवाइड होंगे। देखिए 9 में भी 3 वाला रूल लगता है, क्योंकि 3 इज द मल्टीपल ऑफ 9। 3 जो है, 9 जो है 3 की टेबल में आता है, तो 3 और 9 में एक रूल लगता है। इसमें एक देखिए नंबर दिया हुआ है, तो 3 में भी क्या करते हैं, डिजिट का सम चेक करते हैं। ऐसे 9 में भी हम डिजिट का सम चेक करेंगे। अगर डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो ओवरऑल नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। अब सो सिंपल, कौन से नंबर बेटा 10 से डिवाइड होंगे? तो ये तो आप लोग सभी को पता है कि 10 की टेबल में ऑलवेज यूनिट प्लेस 0 होता है। तो ऐसे नंबर जिनका यूनिट प्लेस 0 है वो 10 से भी डिवाइड होंगे और 2 से भी डिवाइड होंगे। क्लियर? तो आपको 10 से भी पता चल गया। अब आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बात करने जा रहा हूं कि कौन से नंबर 11 से डिवाइड होंगे, कौन से नंबर बेटा 11 से डिवाइड होंगे, हम उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, 11 पे डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी अगर नंबर दिया है उस नंबर में हम इवन और ऑड प्लेस पर जो डिजिट है उनको अलग कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी नंबर के इवन प्लेस और ऑड प्लेस पर जो डिजिट हैं उनको अलग कर लेते हैं, उनका सम लेते हैं। उनका सम करने के बाद फिर हम इवन ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट हैं उनका सम जो आता है उनका हम डिफरेंस निकालते हैं। अगर डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो बच्चों ऐसे नंबर्स 11 से डिवाइड होंगे। आपके सामने हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों। देखिए जैसे ये नंबर है आपके सामने लिखा हुआ है, शायद आपको दिख भी रहा होगा, हमने O फॉर ऑड, E फॉर इवन सिंबल लिया है। तो जो ऑड प्लेस पे डिजिट्स हैं इनका सम मैंने अलग निकाल लिया, और इवन प्लेस पे जो डिजिट है इनका सम अलग निकाल लिया। डिफरेंस आपका देखिए 0 आ रहा है, तो ओवरऑल ये नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। सिमिलरली मैंने कुछ अदर एग्जांपल्स भी लिखे हैं, आप इनको चेक करना और फाइंड करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर हम 11 से डिवाइड करेंगे। अब बच्चे हम लास्ट दो टॉपिक हैं इन पे डिस्कशन करना चाहेंगे, ये एक्सप्रेशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आपके काम भी आएंगे। देखिए एक एक्सप्रेशन है, एक व्यंजक है बच्चों, एक्स टू द पावर एन माइनस वन। एक्स टू द पावर एन माइनस वन फॉर्म में अगर कोई एक्सप्रेशन है तो हम इसमें देखते हैं कि एन इवन है कि ऑड है। अगर एन इवन आर कुछ भी है और एक्स टू द पावर एन माइनस वन दिया गया है तो ऐसा एक्सप्रेशन एक्स माइनस वन से डिवाइड होता है। जैसे देखिए क्या किया है, 68 टू द पावर 88 अपॉन 67। तो बेटा इसमें क्या होता है, अक्सर रिमाइंडर पूछ दिया जाता है इस प्रकार के एक्सप्रेशन में। तो हमने किया क्या है, इसमें 1 माइनस कर दिया, 1 प्लस कर दिया है अपनी तरफ से। अब देखिए ये जो फॉर्म है एक्स टू द पावर एन माइनस वन बन गई, तो एक्स टू द पावर एन माइनस वन एक्स माइनस वन से डिवाइड होता है। तो x माइनस वन में यहां लेंगे तो 67 आएगा, तो 67 तो 67 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो 1 है ये रिमाइंडर बच जाएगा। क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। ऐसे देखिए अगला एग्जांपल है 18 टू द पावर 15, इसमें 1 प्लस 4, हमने क्या किया, 1 माइनस किया, 1 प्लस किया, तो 1 माइनस किया, 1 प्लस किया, तो ये 5 आ गया। इसमें ये जो आपका ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखा है ये 18 माइनस 1 से डिवाइड होगा, मतलब 17 आएगा इसकी वैल्यू, 17 अपॉन 17 ये तो पूरा पूरा कर जाएगा, इसका रिमाइंडर 5 बचेगा। अब लास्ट टॉपिक क्या है, एक्स टू द पावर एन प्लस 1। एक्स टू द पावर एन प्लस 1 में अगर एन ऑड है, एन क्या है, ऑड, यहाँ पे ऑड इवन दोनों था, यहाँ पे सिर्फ एन अगर ऑड नंबर है तो ऐसा एक्सप्रेशन एक्स प्लस 1 से डिवाइड होगा। जैसे नीचे एक एग्जाम्पल लिखा है, आप लोग ध्यान दीजिए, 43 टू द पावर 45 प्लस 1, तो हम प्लस 5, तो हमने बेटा क्या किया, प्लस 5 को 4 प्लस 1 में तोड़ लिया है। अब
ये एक्सप्रेशन क्या होगा 43 टू द पावर 5 प्लस 1, ये 43 प्लस 1 से डिवाइड होगा, 43 प्लस 1 44 आएगा, तो 44 44 से डिवाइड हो जाएगा, रिमेनिंग क्या होगा 4, तो इसमें जो रिमाइंडर आएगा 4 आएगा। तो इस प्रकार से बच्चे जो आज मैंने अभी इस लेक्चर में एक्सप्लेन किया, इसका पीडीएफ आपको भेज देंगे इन नोट्स का, ठीक है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को डिविजिबिलिटी टेस्ट अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को कई बार देख करके आप चीजों को समझ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।